हरिओम प्रिय दर्शकों, ये वीडियो है फ्री कुंडली विश्लेषण का दूसरा पार्ट है। हमने एक पहले वीडियो बनाई थी और उसमें हमने कहा था कि आप अपने कमेंट अपने डिटेल लिख सकते हैं कमेंट में, और फिर उसमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा फ्री कुंडली विश्लेषण के लिए। तो यदि आपने कमेंट किया है पहली वीडियो में तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और हम इसमें जानने वाले हैं किन लोगों का नाम सेलेक्ट हुआ है। तो पहले मैं बता दूं, इसको पूरा सुन लीजिए, फिर जो है तो पूरा वीडियो आपको देखना है। यहाँ पर आपको करना क्या है कि जिनका जिनका नाम मैं अभी बताऊंगा, उन लोगों को खाली जो नंबर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, इसी में व्हाट्सएप में मैसेज करना है। आपको फ़ोन नहीं करना है, आप व्हाट्सएप में मैसेज करिए। व्हाट्सएप में जब मैसेज करेंगे उसके बाद आपको फिर रिप्लाई मिलेगा, अपॉइंटमेंट मिलेगा। जिस दिन का जिस समय का अपॉइंटमेंट मिलेगा उस समय हमारी और आपकी बात होगी और फ्री कुंडली विश्लेषण आपका हो जाएगा। तो आपको फ़ोन नहीं करना है, ना तो व्हाट्सएप में फ़ोन करना है, ना तो फ़ोन कॉल किसी भी तरह। आपको व्हाट्सएप नंबर में जो नंबर दिया हुआ है इसमें मैसेज करना है। और क्या मैसेज करना, सेम यही डिटेल जो आपने कमेंट की थी वही डिटेल आपको व्हाट्सएप में भेजना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आइए आगे जानते हैं किनका किनका नाम सेलेक्ट हुआ है। सबसे पहले हैं पलक कुमार पाटिल। उनकी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने लिखी है 11/9/1991 और जन्म लिखा है 7 PM और ये गुजरात से हैं। तो आपका नाम सेलेक्ट हुआ है पलक कुमार पाटिल जी का। अब हम दूसरा नाम जानते हैं। दूसरा नाम है रीता जी का, इनका खाली रीता नाम है और इन्होंने डिटेल दिया है 5/1/78 यानी कि 5 जनवरी 1978 2:30 AM में, और ये महाराष्ट्र से हैं। तो रीता जी का भी नाम सेलेक्ट हो चुका है। अब आइए जानते हैं आगे, उदय शंकर जी का नाम भी सेलेक्ट हुआ है और इन्होंने डिटेल दी है 15/11/1969 मतलब 15 नवंबर 1969 और इन्होंने टाइम लिखा है 1:42 AM PM इन्होंने लिखा नहीं है, अच्छा रात का इन्होंने लिखा है, मतलब AM रहेगा। ये उड़ीसा से हैं। तो उदय शंकर जी आपका भी नाम सेलेक्ट हो चुका है, आपको व्हाट्सएप करना है अब। और अगला नाम है हरीश चमोली। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा है 8/3/1975 और समय लिखा है 12:15 दोपहर का। तो आपका भी नाम सेलेक्ट हो चुका है। अब अगला जानते हैं, अगला है सतीश जी का। इन्होंने लिखा है 30/8/1982 और टाइम लिखा है 8:45 PM में। तो आपका भी नाम सेलेक्ट हुआ है, आप हैं नासिक से। और अब हम अगला नाम जान लेते हैं। अगला नाम है अखिलेश कुमार जी और इनका डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 20/7/1986 और 4:05 सुबह का समय है और ये हैं वाराणसी यूपी से। तो आपका भी नाम सेलेक्ट हो चुका है। अब अगला नाम जानते हैं। अगला नाम है पंकज सोनी। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 5/3/1972 1:40 AM और तो आपका भी पंकज सोनी जी का नाम सेलेक्ट हो चुका है। आइए आगे जानते हैं। आगे धर्मेंद्र जी हैं और धर्मेंद्र जी का डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 19/5/1979 और टाइम दिया है 9 AM ठीक है। ये वडोदरा से हैं। तो आपका भी धर्मेंद्र जी नाम सेलेक्ट हो चुका है। और जानते हैं अगले कौन हैं। अगले हैं अजय शुक्ला। तो आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है 29/10/1993 और 8:42 AM
उत्तर प्रदेश से हैं आप, तो आपका भी नाम सेलेक्ट हुआ है। और अगला जानते हैं संदीप। संदीप जी हैं, ये महाराष्ट्र से हैं संदीप जी। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया है 4/4/1980 और 11:45 PM का, तो आपका भी नाम संदीप जी सेलेक्ट हुआ है। और अगले हैं मोनिका जी हैं, 22/11/1989, ये हैं जयपुर से हैं और टाइम दिया है 5:17 AM। तो ये कुछ लोग थे जिनका नाम सेलेक्ट हुआ है। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि जिनका नाम अभी बताया गया है और आपने जो डिटेल भेजी थी, तो वही डिटेल आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है, आपको जल्द से जल्द मैसेज करना है। और जैसे आगे का अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा, फिर उस दिन आप फ़ोन के माध्यम से जुड़ेंगे और फिर हमारी आपकी बात होगी, फ्री कुंडली विश्लेषण होगा। और जिन लोगों का कुंडली विश्लेषण के लिए नाम सेलेक्ट नहीं हुआ है, उनके लिए मैं बता दूं कि आपको निराश नहीं होना है। आने वाले समय में मेरी कोशिश है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ़ोन कॉल मेरे पास आते रहते हैं, लोग कमेंट के माध्यम से, चाहे आप फेसबुक में जुड़े हों या यूट्यूब में जुड़े हों, तो लोग कमेंट करते हैं, फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि हमारा कुंडली विश्लेषण करिए, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए मैंने सोचा है कि आप लोगों का कुंडली विश्लेषण मैं फ्री में करूंगा, परंतु उसका सिस्टम क्या ये समझ लीजिए। आपको करना क्या है कि अब आने वाले समय में, कहना चाहिए कि आज 22 जून है, तो अब जो वीडियो डाली जाएंगी उनमें आपको अपने डिटेल कमेंट करने हैं। और उसमें से हर एक, अभी समझिए कि 23 तारीख से ये जो है तो सिस्टम शुरू हो जाएगा, तो आपको अपने कमेंट करने हैं आज से ही। अब जो वीडियो आएंगी राशिफल की, जो वीडियो आती हैं, बहुत सारी वीडियो आती रहती हैं, उसमें आपको कमेंट करना अपना डिटेल। डिटेल में क्या, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, कहाँ पर जन्म हुआ, किस समय आपका जन्म हुआ, एएम पीएम जो भी है, ये आपको कमेंट करना है। और हर एक वीडियो में आपको कमेंट करना है, क्योंकि संभावनाएं अब क्या होंगी, कैसे सिलेक्शन होगा कि हर एक वीडियो में एक व्यक्ति का नाम जो है तो चुना जाएगा। यानी कि समझिए कि मेरी यदि आज 5 वीडियो पब्लिक हुई हैं, ठीक है, कोई भी राशि की हो, मेष की हो, वृष की हो या मीन की हो, जो भी, हर एक वीडियो में एक व्यक्ति का नाम बताया जाएगा कि आज किसका नाम सेलेक्ट हुआ है, जिससे लगभग इस चैनल में देखा जाए तो कई वीडियो महीने में आती हैं, तो हर एक वीडियो में एक व्यक्ति, यानी महीने में लगभग 100 से ज़्यादा लोगों का भी लगभग नाम जो है सेलेक्ट हो सकता है। तो आप जो है तो हर एक वीडियो में अपना यही डिटेल, जो डिटेल हो तो आप अपना कमेंट करिए। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो जो रहे उनको लाइक करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। और साथ में आपको जल्दबाजी नहीं करना है, जब आपका नाम अनाउंस किया जाएगा वीडियो में तो ही आपको फिर व्हाट्सएप में मैसेज करना है, उसके पहले मैसेज आपको नहीं करना है। और आपको हर एक वीडियो को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि वीडियो में, किसी भी वीडियो में किसी का नाम बताया जा सकता है। तो ये चीज़ मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, और जैसा आप लोगों का सहयोग रहेगा उसके हिसाब से हम आगे करेंगे कि इसे कंटिन्यू करें या बंद कर दें। तो आप जो है तो अक्सर कनेक्ट रहिए, हर एक वीडियो देखिए, और जैसे ही आपका नाम सेलेक्ट हो वैसे ही आप व्हाट्सएप में मैसेज करिए। नाम सेलेक्ट नहीं हुआ है तो आपको मैसेज नहीं करना है और ना पहले व्हाट्सएप करना है। और जो लोग अभी फेसबुक में देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप YouTube में जुड़ जाइए, और जो YouTube में जुड़े उनको Facebook में भी कनेक्ट हो जाना चाहिए। बाकी जो सोशल मीडिया है उनकी सबकी लिंक दी हुई है, ट्विटर की, इंस्टाग्राम की, लिंक्डइन की, सभी की लिंक नीचे दी हुई है वीडियो में, हर एक वीडियो में रहती है, तो आप वहां जाके सब जगह कनेक्ट हो जाइए। क्योंकि ये सिलेक्शन मैक्सिमम YouTube से ही होगा, परंतु कई बार अलग अलग, जैसे Facebook से कई बार मैं लूँगा, कई बार
इसे लिंक्डइन से ले लूँगा या बार ये यहाँ से ले लूँगा, इंस्टाग्राम से या अलग अलग जितने भी प्लेटफॉर्म हैं। तो जब अलग प्लेटफॉर्म से मुझे लेना होगा, जैसे मैं फेसबुक का समझिए लेने वाला हूँ, तो मैं बताऊँगा कि आज आपको फेसबुक में कमेंट करना है, फेसबुक में जो वीडियो रहती हैं उनमें, तो फिर आप उस दिन वहाँ कर सकते हैं। तो आप लगातार प्रयास करिए, ज़रूर आपका नाम किसी न किसी दिन आ जाएगा और आपका फ्री में कुंडली विश्लेषण हो जाएगा। हाँ, अब जिनको जल्दी करवाना है वो व्हाट्सएप में मैसेज करें, अपॉइंटमेंट लें, दक्षिणा दें और उसके बाद जल्दी से आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा और कुछ विशेष लाभ भी आपको मिलने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को ना समझ में आई हो बात तो पूरा देखिएगा, अच्छे से दोबारा देख लीजिएगा, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। और इसे जारी रखना चाहिए फ्री कुंडली विश्लेषण या नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे हम आगे जारी रखेंगे। और आप लोगों का जिनके पास वास्तविकता में पैसा नहीं है कुंडली विश्लेषण के लिए, वही लोग कमेंट करें, मैं ये कहना चाहूँगा। जिनके पास है वो दक्षिणा दे के कुंडली का विश्लेषण करवाएँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।